दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी हैं खुश रहे हैं बात रहे। मैं घर आ चुका हूँ और अब इफ्तारी का टाइम है और आप मेरी इफ्तारी देख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है, देखिए ये मज़ेदार सी बिरयानी। आप सभी बताइए कि आप लोगों के आसपास बारिश हो रही है? हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो रही है और सुना है ये बारिश गंदम के फसल के लिए अच्छी नहीं है। किसान भाई हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, अगर ये बारिशें गंदम की फसल के लिए अच्छी नहीं है तो अल्लाह करे ये बारिशें रुक जाए। और आप सब भी दुआ कीजिएगा। तो गाइस अब रोज़ा खुल चुका है और बिरयानी तो बहुत मज़े की है। ये तो बहुत मज़े की है और मेरे मामू को भी ये बिरयानी बहुत पसंद है। अगर मेरे मामू यहाँ पर होते तो मैं उनको ज़रूर देता। गाइस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर। आप मेरे साथ चलें। जी तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर। अरे ये क्या, मेडिकल स्टोर तो बंद है, अब मुझे घर वापस जाना होगा। चलिए गाइस, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था पर अब क्या कर सकता हूँ मैं। मैं आ चुका हूँ वापस मदरसे से और अब आज का रोज़ा तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप सब भी बताइएगा कि आप सब का रोज़ा कैसा जा रहा है। और हमारे ये 13 रोज़े तो बहुत अच्छे से गुजर गए हैं। दुआ है अल्लाह ताला से कि अगले भी सारे रोज़े हमारे ऐसे ही आराम से और ठंडे ठंडे गुजर जाएं। हमारे तो यहाँ पर बहुत शदीद बारिश हुई, आप सब भी बताइए कि आप लोगों के एरिया में बारिश हुई या नहीं, और आप में से किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है। अब मैं छत पर आ चुका हूँ, आज तो मौसम बहुत अच्छा और सुहाना है और सामने ही चांद है। ये देखिए गाइस सुबह का चांद, चांद तो आप लोगों के सामने भी है पर वो एक दूसरा चांद है। वो क्या, ये क्या, बेरोजगार मेरे सामने पानी पी रहा है। देखिए गाइस सूरज, कितना सुंदर सूरज है, और उससे दूसरी तरफ चांद। गाइस अब मैं साफ करने वाला हूँ एक बहुत पुराना लैपटॉप। देखिए कितनी देर से यहाँ पर पड़ा था, मैंने कहा आज खोल कर देखते हैं। चलिए देखते हैं गाइस ये कितना गंदा हुआ हुआ है, अब मैं इसको साफ करता हूँ। ये देखिए गाइस मैंने इसमें क्या क्या कुछ नहीं लगा दिया साफ करने के लिए, मैंने इसमें वैसदीन भी लगा दी। अब ये थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है, अब इसको खोल कर देखते हैं। ये तो अंदर से भी बहुत गंदा हुआ हुआ है, अब देखते हैं इसको साफ करके। मैं जानता हूँ कि ये शायद नहीं चलेगा, हालांकि ये बिल्कुल ठीक था। देखिएगा ये नहीं ऑन हो रहा, ये नहीं हो रहा। हाँ चार्जिंग बेशक ना हो, मैं चार्जिंग करके देखता हूँ। ये रहा लैपटॉप का चार्जर और अब मैं चार्जिंग लगा कर देखता हूँ। ये तो ऑन ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। ये तो ऑन ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ। मैं अब इसकी बैटरी दूसरे वाले लैपटॉप से चेंज कर देखता हूँ, क्या पता लग जाए। ये रहा मेरा दूसरा लैपटॉप, इसकी हालत भी बहुत बुरी हुई ही है। अब मैं इसकी बैटरी निकाल कर देखता हूँ और इसकी बैटरी, इनकी बैटरियाँ तो सेम नहीं हैं, इन दोनों की बैटरियाँ तो चेंज हैं, अब मैं क्या करूँ। गाइस अब मुझे यही ऑन करना होगा, वो वाला तो ऑन ही नहीं हो रहा, अब ये ऑन हो रहा है। इसको भी कुछ हो गया गाइस, ऑन होते होते फिर बंद हो गया, लगता है इसको भी बैटरी की ज़रूरत है। चार्ज हो रहा है और अब मैंने ऑन कर दिया, ऑन हो गया।
जी तो गई थी, ऑन हो चुका है। नेट ही नहीं है इसमें, नेट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आजकल। राइट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत गुस्सा चल रहा है। राइट, मैंने पता नहीं क्या किया है, मुझे खुद समझ नहीं आई। मुझे नहीं लगता ये कुछ भी चलने वाला है, इसलिए मैं ये बंद कर दूँगा कुछ ही देर में। कुछ हो तो रहा नहीं है मेरे से। मुझे गाइस लैपटॉप तो चला नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा। मेरा आज का ब्लॉग यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।